उधर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने योगेंद्र यादव को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू के बयान से किनारा कर लिया है। अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि उन्हें बिट्टू के बयान की जानकारी नहीं है, योगेंद्र यादव आंदोलनकारी हैं और हम यही जानते हैं। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के एक बयान पर कुछ कंट्रोवर्सी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। दादा, कल हमने देखा कि रवनीत सिंह बिट्टू साहब जब बोल रहे थे हाउस में, तो उन्होंने एक बड़ा संगीन आरोप लगाया योगेंद्र यादव पे, कहा 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ लाल किले पर। मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है, अगर किस विषय को मद्देनजर उन्होंने बात रखी है मुझे जानकारी नहीं है, मैं उनसे पता करूंगा, लेकिन इस तरीके की कोई तथ्य मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है फिलहाल, कुछ इसमें जानकारी भी नहीं है मेरे पास। यानी ये आपके पार्टी का स्टैंड नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं? पार्टी का स्टैंड क्या हो सकता है? पार्टी का स्टैंड है किसान कानून जो है, काला कानून, इसको विरोध करना पार्टी का स्टैंड है। बाकी कहाँ से कौन कैसे क्या करते हैं इस विषय पर पार्टी का कोई स्टैंड अगर होते तो मुझे जरूर जानकारी रहती। दादा, आप मानते हैं कि वो भी आंदोलनकारी हैं योगेंद्र यादव? जरूर है, हम तो देखते हैं टीवी में देखते हैं, भाषण देते हैं, वो तो बड़ा कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है, आंदोलनकारी के रूप में ही हम सब देखते हैं। अधीर रंजन चौधरी साहब, जिनका कहना है कि इस बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, रवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा वो अपने निजी उनके विचार रहे होंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।